व्हाइट वाइन के साथ, इवन स्पार्कलिंग वाइन के साथ, अलग अलग ग्लासेस. सो ऐसा क्यों? सो वी स्टार्ट विद द स्पार्कलिंग वाइन फर्स्ट. अगर आप हमेशा स्पार्कलिंग वाइन के ग्लासेस कभी भी देखोगे तो ये बहुत छोटे साइज के रहते हैं. इट इज जस्ट बिकॉज जो CO2 रहता है स्पार्कलिंग वाइन्स के अंदर, इट शुड नॉट गो आउट. ओके, सो व्हाट अबाउट रेड वाइन? ओके, सो रेड वाइन्स अगर आप जब भी देखोगे, रेड वाइन्स के ग्लास हमेशा बड़े रहते हैं, व्हिच हैज अ थोड़े से बड़े बोल रहते हैं उनके लिए. डजंट मैटर कि स्टेम बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन स्टेम होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अलग अलग वाइन्स को हम अलग अलग टेम्परेचर पे भी टेस्ट करते हैं. एंड व्हाट अबाउट व्हाइट? व्हाइट वाइन्स जो रहती है वो यूजुअली हमें फ्रेश ही पीनी रहती है, और बहुत चिल्ड पीनी रहती है, ठंडी पीनी रहती है. इसलिए भी अगर हम लोग ने छोटे ग्लास में भी ले लिया, आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये ग्लास में भी हम पी सकते हैं.